पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती आहेत. काल त्यांच्या 3 सभा पार पडल्या आणि आजही 3 ठिकाणी सभांचं आयोजन करण्यात आलंय. मैं तो इसमें बिझी हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन मैंने कल प्राइम मिनिस्टर के साथ जब बात की तो उन्होंने, मैंने पूछा कि फर्स्ट फेज में आपको क्या लग रहा है, सेकंड फेज में क्या लग रहा है, माहौल कैसा है. तो वो बोले मैं जहाँ भी जाता हूँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, पब्लिक मीटिंग इतनी बड़ी हो रही है और लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं. जैसे कल भी पूना में लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे. कम से कम मेरे ख्याल से 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ. पीएम साहब थोड़े से 6:30-7 बजे आए, लेकिन करीबन 8-8:30 बजे तक मीटिंग चालू थी. लोग रिस्पॉन्स दे रहे, लोग सुन रहे और कॉन्फिडेंटली प्राइम मिनिस्टर उनको बता रहे कि तीसरे दफ़ा हमें क्यों आना है, हमें क्यों लोगों ने चांस देना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया. और माहौल तो ठीक लग रहा है. जब वोट, लेकिन पहले फेज में वोटिंग बहुत कम हुआ, तब थोड़े सब सोचने लगे. लेकिन सेकंड फेज में देखो, पहले फेज में 52% तक वोटिंग हुआ और सेकंड फेज में करीबन 60 के आगे चला गया. थर्ड में भी सभी पार्टी जो रहती है उसके सभी कार्यकर्ता वोट ज़्यादा देने के लिए लोगों को जरूर वोटिंग के लिए लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. और तीसरे दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए देश के लोगों ने तैयारी की है और अब महाराष्ट्र के भी लोगों ने तैयारी की है. राष्ट्रीय स्तर पर जब नेतृत्व की बात आती है तो एनडीए के पास, आपके गठबंधन के पास प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो है, विपक्षी गठबंधन का चेहरा नहीं है. इसको लेकर उनकी आलोचना भी होती है और लोग अपने अपने तरीके से नाम भी छोड़ते हैं. अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं. कोई स्टालिन को नेता बताता है, कोई किसी को नेता बताता है, कोई राहुल गांधी को नेता बताता है. राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अभी तक ये एक स्पष्ट चित्र जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है. लेकिन महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और शरद पवार जी की मदद से प्रधानमंत्री बन सकते हैं. तो इस तरह के दावों पे क्या कहें? क्या है, हमेशा किसी का कोई ना कोई किसी का नाम लाते हैं, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए. अभी तो खाली मोदी साहब का नाम है. 65% से ज़्यादा लोग भारत देश के मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका कहना है. और दूसरे साइड पे आप देखो, आप बोल रहा, आपने जो सवाल पूछा वो सही है. साउथ में गए तो तमिलनाडु वाले स्टालिन को बताते हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में गए तो ममता को बताते हैं, ऐसे अलग अलग. बीच में पिछले दफ़ा 2019 में नीतीश कुमार जी का नाम सब ले रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अपोजिशन में थे, वहाँ से वापस वो मोदी साहब के साथ आए, यानी वो एक चेहरा था. पिछले दफ़ा 2019 का चुनाव आप याद करो, उसमें उनका नाम था. तो वैसा अभी तो किसी का नाम नहीं लगता. तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेट राहुल गांधी जी का नाम लेते. राहुल गांधी जी की भी जो पिछले 15 साल या 20 साल हो गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद 15 साल हो गए. और यहाँ मोदी साहब के 10 साल एज अ पार्लियामेंट का काम के बारे में, स्टेट में तो उन्होंने गुजरात का काम किया, वो काम लोगों को अच्छा लगा और इसीलिए वो सेंट्रल में पॉलिटिक्स करने के लिए आए और देश के प्रधानमंत्री बने. तो राहुल जी की और मोदी साहब की आप तुलना ही नहीं कर सकते. महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से समीकरण लगातार बदले हैं. 2019 के बाद से तो हमने कम से कम 2 या 3 बड़े परिवर्तन देख लिए, लेकिन देश की राजनीति में भी लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, खासकर जब गठबंधन की बात आती है. कई लोग जो पहले मोदी विरोधी थे, मोदी के साथ हैं. कई ऐसे लोग जो धुर आलोचक थे, अब धुर प्रशंसक बन चुके हैं. शायद उनके 10 वर्षों के काम की कमाई होगी ये. लेकिन महाराष्ट्र में आपका जो सामंजस्य है उस पर बार बार टीका टिप्पणी होती है कि मौका परस्ती है, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आ गए हैं, ईडी के डर से आ गए हैं, सीबीआई के डर से आ गए. तो जो समीकरण है आपका, एकनाथ शिंदे जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का, आपस में आप लोगों के संबंध हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन राजनीति में क्या ये समझौता है, मजबूरी है या कहीं ना कहीं सही में विकास का लक्ष्य है? ये बिल्कुल मजबूरी नहीं है, ये बिल्कुल समझौता नहीं है. मैं डेवलपमेंट का हमेशा सोचता हूँ, विकास पुरुष
आज देश में कौन है तो मोदी साहब है। मैंने 2014 में उनके खिलाफ काम किया है, 2019 में उनके खिलाफ काम किया है, लेकिन जब 2019 में लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया तब हमने देखा कि आज आप सोचो एज अ तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में जो काम हुआ है, मोदी साहब ने खुद कहा है कल कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जितना काम हुआ उतना काम हमने एक साल में किया। रोड्स के नेशनल हाईवेज हो या रेलवे लाइन हो या वो ये एयरपोर्ट के डेवलपमेंट हो या पोर्ट की डेवलपमेंट हो, जो भी डेवलपमेंट जीडीपी अच्छा होने के लिए करना जरूरी रहता है वो सब उन्होंने किया। और वो करते वक्त जो गरीब लोग हैं उनको भी ऊपर लाने के लिए उन्होंने काम किया, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन अभी देखो, मेरा तो एक कहना है, मैंने कल भी उस वो मुझे स्पीच देने का मौका मिला तब मैंने बताया, पूरे देश में बहुत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तब वहाँ से मोदी साहब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन हुए। 10 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में भी एलिगेशन हुए, 2G का हुआ, कोल का हुआ, कोल माइंस के बारे में बहुत कुछ हुआ, बार बार मीडिया में भी सब आ रहा था। उससे पहले राजीव गांधी के खिलाफ भी बफर्स का आरोप हुआ, उसके लिए तो उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, वो रूलिंग उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन 10 साल में मोदी साहब के खिलाफ एक भी किसी ने आरोप नहीं किया, इतनी उनके काम में ट्रांसपेरेंसी है। वो बोलते हैं मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा दूसरा कोई ध्यान नहीं रहता, खाली देश का विकास हो, देश आगे जाए, पूरे वर्ल्ड में एक महासत्ता अपना देश बने और उसमें यंग जनरेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, उनको आगे आने के लिए इनोवेशन का हो या इंक्यूबेशन का हो या अलग अलग बहुत कुछ है वो करने का उनका इरादा है। और उन्होंने 10 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। आज मोदी साहब के सिवाय एक भी ऐसा लीडर अपने को दिखाई नहीं देता कि 135 से 140 करोड़ तक लोगों को वो एक ठीक तरह से रास्ता दिखाएंगे और देश आगे लेके जाएंगे, ऐसा नहीं दिखाई देता। सरकार और प्रशासन अपनी जगह, लेकिन आपकी व्यक्तिगत संबंध किस तरीके से हैं? बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी खुद हों, जेपी नड्डा हों, और जो प्रदेश में जो लोग हैं आपके साथ शिवसेना और बीजेपी दोनों के, देवेंद्र फडणवीस जी हों या फिर एकनाथ शिंदे जी हों, आपके व्यक्तिगत संबंध किस तरीके से राजनीति से ही तरह? मुझे मोदी साहब के साथ, अमित भाई के साथ अच्छे संबंध है, ये हुआ सेंट्रल का। स्टेट के बारे में आपने सोचा तो एकनाथ राव जी शिंदे हमने बहुत सालों में असेंबली में काम किया है, उद्धव ठाकरे जी के गवर्नमेंट में भी हमने 2.5 साल काम किया है, उन्होंने मेरा काम देखा है, मैंने उनका काम देखा है, और देवेंद्र जी और मेरे पहले से अच्छे संबंध है। हम एक अलग अलग पार्टियों में है लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में 2 चरण हो चुके हैं लेकिन तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, और महाराष्ट्र की जो सीटें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और कई सारी VIP सीट्स हैं की चर्चा की, लेकिन सबका ध्यान केंद्रित सिर्फ बारामती पे है, तो बारामती पे इतना फोकस आपको कंफर्ट करता है, अच्छा महसूस कराता है कि बारामती पे सबका फोकस है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रेशर महसूस होता है कि बारामती पे सबका फोकस है तो अच्छा करना ही होगा बारामती? मैं प्रेशर को ज़्यादा मैं नहीं डरता, मेरा काम चलता है, मेरा काम बोलता है, मैं काम का आदमी हूँ। आपने देखा होगा मैंने वहाँ बारामती वालों ने 7 दफ़ा मुझे एक विधायक के नाते मुझे चुन के दिया है और 1 दफ़ा MP के नाते चुन के दिया है। लोग मुझे सपोर्ट करते, लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद मैं और ज़ोरों से काम पे लगता हूँ और सुबह 6 बजे से काम पे शुरू कर देता हूँ। मुझे डेवलपमेंट करना बहुत पसंद है, लोगों को मदद करना पसंद है, कॉमन मैन को कैसे ऊपर लाने का और उसको अच्छी तरह से फाइनेंशियल उसकी पोजीशन कैसे करने की, उसके लिए मैं
हमेशा ध्यान देता हूँ और वो मेरा काम में मैंने वो सब ये सब सोचकर मैं आगे जा रहा हूँ। बारामती लगातार आपकी सीट रही है, आप लगातार 7 बार विधायक रहे, एक बार आप सांसद भी वहाँ से रहे हुए हैं और बारामती की लोकसभा सीट तो परिवार के पास ही रहे, चाहे आप रहे चाहे शरद पवार जी रहे हैं या सुप्रिया सुले हैं, तो अब इस बार जो लड़ाई है थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रखा है, माहौल भावुक हो रखा है, लोगों का कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, परिवार के अंदर थोड़े से मतभेद दिख रहे हैं, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह लेकिन पारिवारिक मतभेद भी अब दिख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है कि परिवार और राजनीति को अलग अलग करना और संभाल के चल पाना। मैंने बारामती वालों को कहा है ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, आपने महायुति के कैंडिडेट को जिता के दिया तो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने आज तक बारामती में स्टेट का फंड्स लाने की कोशिश की और उसमें से डेवलपमेंट की है, अभी मुझे सेंट्रल का भी फंड्स लाना है। सेंट्रल में जो रूलिंग पार्टी के नाते लोगों को मन में सोच लोग विचार कर रहे वो मोदी साहब तीसरे दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें स्टेट को फायदा होगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा, पुणे डिस्ट्रिक्ट को और हमारी बारामती लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी फायदा होगा। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि अरे एक सोचो, इतने दिन मैंने खाली स्टेट के फंड्स लाके ये डेवलपमेंट करके दिखाई है, अभी अपने को वहाँ सेंट्रल के फंड्स को सपोर्ट मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा हम इंदापुर, बारामती, दौंड, पुरंदर हवेली, खड़कवासला ये सब जो तालुका है उसकी डेवलपमेंट करेंगे, उसका विकास करेंगे। एनसीपी का रोल अगर मोदी सरकार आती है, मोदी 3.0 आता है तो एनसीपी का रोल उसमें क्या होगा, क्योंकि मिनिस्टर्स कितने होंगे इस बात की चर्चा अभी शुरू हो गई है और कंचनकुल जो कि पिछली बार प्रत्याशी भी थी भाजपा की ओर से बारामती सीट पर, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि पीएम मोदी जी होंगे और बारामती की सांसद जो होंगी वो मंत्री होंगी, बीजेपी की ओर से ये बात कही जा रही है, तो बारामती के लिए फंड लाना और आसान होगा मंत्री बनने की सूरत में? नहीं नहीं नहीं, रूलिंग पार्टी में आप जब रहते हैं एक विधायक के नाते, एक लोकसभा के मेंबर के नाते या असेंबली मेंबर के नाते, तो अपने को वहाँ मिनिस्ट्री में चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आज एकनाथ राव शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तीनों मिलके ये गवर्नमेंट महायुति का चला रहे तो वहाँ ये पार्टियाँ जिन्होंने जो सपोर्ट किया वो सभी MLA को, वो रूलिंग पार्टी के MLA सबको फंड मिलता है, तो मंत्री बनने की जरूरत नहीं रहेगी उसके लिए अगर मिलता है तो संभावना। ये आगे का हम बहुत आगे का ये मंत्री बनने का ये कर देगा वो कर देगा, पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ये हमारी NDA की, हमारे महाराष्ट्र में महायुति की कैसे जीत के आ सकती है उसके बारे में हमने फोकस किया है, उसमें हमारा पहला ध्यान है। ये क्या होता है ये फिर ऐसा होगा वैसा होगा, जब वो दिन आएगा तब सोचेंगे ना, अभी सोच के क्या फ़ायदा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे डिस्ट्रिक्ट के चारों सीट आनी चाहिए, शिरूर, बारामती, पुणे और मावड़, ऐसा मेरा कहना है। और वैसे महाराष्ट्र का जब मैं सोचता हूँ तो महाराष्ट्र में भी सभी जगह की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा कैसी जीत के आती है ये हमारी कोशिश है। सर एक चीज़ और है कि हम भविष्य की बात नहीं करते, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पास्ट में जो हुआ खासकर पिछले 5 सालों में जो हुआ, 4.5-5 साल में जो हुआ उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही। 2019 में आपने अचानक से शपथ ली देवेंद्र फडणवीस के साथ में, हम मौजूद थे वहाँ पे। उसके बाद 2019 में ही कुछ घंटों के अंदर ही 80 घंटे के अंदर सरकार बदलने की नौबत आई, नई सरकार बनी, वो भी 2.5 साल से ज़्यादा चल नहीं पाई, 2.5 साल के बाद एक सरकार नई बनी, उसमें भी 1 साल के बाद फिर आपको समर्थन देके आपको जुड़ना पड़ा उसमें, तो 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में राजनेता तो कन्फ्यूज है ही, मतदाता भी कन्फ्यूज है, तो कहीं ना कहीं इसका रिपरकशन उसके जो विपरीत परिणाम है वो सरकार को भुगतने पड़ते, लोगों में गुस्सा हो सकता है कि बार बार हम एक चुन के देते हैं सरकार, लोग तोड़ के अपने तरीके से बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, लोगों ने एक दफ़ा विधायक चुन के देने के बाद वो सभी डेमोक्रेसी में बहुमत को ज़्यादा सपोर्ट हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है और किस लिए लिया है, खुद को मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं दिया लिया, डेवलपमेंट के लिए। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट के लिए सभी ने ये डिसीजन लिया है। आप ऐसा पूछते हैं, मुझे एक बताओ 2009 में BJP और शिवसेना एक होके लड़ी ना, वो तो युति थी उनकी,
25-30 साल पुरानी, तो भी क्या हुआ, एक अलग हो गए, दूसरे अलग हो गए। लोगों ने दोनों को देख के फुल मेजोरिटी उनकी दी है ना। मेरे ख्याल से 106 एमएलए बीजेपी के थे और 56 एमएलए शिवसेना के थे, तो 162 ऐसा कुछ हुआ, 162। उनको मैजिक फिगर चाहिए थी मेजोरिटी के लिए 145, तो 162 होते हुए भी ये एक दूसरे को संभाल नहीं सके, इसीलिए ये सब पॉलिटिक्स अलग अलग हुआ। उसमें आप दोष किसका ज़्यादा देखते हैं? 2019 में जो उनका गठबंधन नहीं चला, शिवसेना की गलती ज़्यादा थी या शिवसेना की जो मांग थी बीजेपी ने वो मांग नहीं होती मुख्यमंत्री? क्या होता है उसके बारे में दोनों बाजू से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम कुछ सुनने के लिए नहीं थे, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि बीजेपी वाले बोलते हैं कि ऐसा सीएम के बारे में हमने वर्ड दिया ही नहीं था, और ये बोलते हैं दिया था। अभी ये एक दूसरे का कहना है, हम क्या उसमें बोल सकते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं, कौन सच बोल रहा है वो तो पता नहीं है। शिवसेना बीजेपी आप नहीं बोल सकते, हम समझ सकते हैं कि आप उस स्थिति में नहीं है कि आपने सब कुछ देखा हो जाना, लेकिन एनसीपी की जो भूमिका रही, आपने कहा 2017 में भी बातचीत हुई, 2019 में भी बातचीत, एक हद तक आगे गए फिर पवार साहब पीछे आ गए, तो एनसीपी की जो भूमिका लगातार फ्लिप फ्लॉप की रही 2014 में, 2017 में, 2019 में, उसका फिर 2022 में आखिर आपने वो जो पार्टी का एक धड़ा लेकर के आप चले गए सरकार के साथ, ये जो सारी चीज़ें रही, एक बार हम फिर से आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कई बार पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये क्या मजबूरियां रही या क्या विचारधारा थी या क्या सोच थी पवार साहब ने पार्टी कार्यकर्ता? हम जब पार्टी में आए तब कांग्रेस पार्टी, और मैं जब एमपी बना फर्स्ट तो कांग्रेस पार्टी थी, पवार साहब भी कांग्रेस पार्टी में थे। फिर उसके बाद ये सोनिया जी जब कमांड संभाल रही थी कांग्रेस पार्टी की, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में आने के बाद ये इस देश के प्रधानमंत्री सोनिया जी होंगे, तो पवार साहब ने, संगमा जी ने, तारिक अनवर ने अलग डिसीजन लिया कि ये परदेसी कोई व्यक्ति अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, देश में जिनका जन्म हुआ है वही प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम तो तब जूनियर थे, हमारे नेता ने वो डिसीजन लिया, इसीलिए हमने 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, और वहाँ से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करने लगे, और वो पार्टी को बढ़ाने के लिए जितनी भी कोशिश मेरी तरफ से होनी चाहिए थी वो करने की मैंने हमेशा ध्यान दिया, और ये सब पॉलिटिक्स आपको पता है। लेकिन हमेशा पवार साहब ने, आज ही नहीं पहले भी, हमारे फैमिली में हमारे एक सबसे बड़े अंकल थे स्वर्गीय वसंत दादा पवार, वो 62 में खड़े हुए थे, हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने तब बताया मुझे कि तब पूरा परिवार हमारा शेतकरी कामगार पक्ष का था, और वो एमपी का बाई इलेक्शन था, वो चुनाव में भी पूरी फैमिली पवार फैमिली स्वर्गीय वसंतराव दादा पवार जी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अकेले पवार साहब कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अकेले पवार साहब। ये 62 से है, वैसे हमारे फैमिली में भी आज नहीं हुआ, हम तब एकदम छोटे थे, 2 साल के थे, लेकिन सभी बोल रहे हैं, और पुराने लोगों ने भी मुझे बताया तब उन्होंने वैसा किया। फिर बाद में 67 में उन्होंने यशवंतराव चव्हाण साहब ने उनको टिकट दिया, वो एमएलए बने, फिर 72 में स्टेट मिनिस्टर बने, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने, और उसके बाद 78 में एक गवर्नमेंट चल रहा था नासिक राव तिरपुड़े, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर वसंत दादा पाटिल बहुत लोकप्रिय लीडर थे महाराष्ट्र के, और फार्मर्स को भी उनको बहुत सपोर्ट था, स्वतंत्र सेनानी थे, लेकिन उनका गवर्नमेंट में से पवार साहब बाहर निकले, पवार साहब का एज था 38 साल, और बाहर निकलते
उन्होंने तब यशवंतराव चव्हाण जी का भी नहीं सुना और उन्होंने गवर्नमेंट बनवाया, उसको पुलोत बोलते थे, पुलोत पुरोगामी लोकशाही दल, और वो चलाया। यानी वो हमेशा 62 में भी उन्होंने वैसा लिया, निर्णय लिया, 78 में भी लिया, फिर 80 में उनका गवर्नमेंट डिसॉल्व किया इंदिरा जी ने, फिर चुनाव आए, फिर वो अपोजिशन में बैठे, फिर 82-85 अपोजिशन में बैठे, फिर 85 में चुनाव हुआ, फिर अपोजिशन में बैठे, फिर उन्होंने तय किया कि 10-10 साल अपोजिशन में बैठकर क्या होने वाला है। फिर उन्होंने डिसीजन लिया, जिस कांग्रेस को उन्होंने विरोध करके गवर्नमेंट बनाया था, फिर उस वही कांग्रेस के साथ वो पार्टी में ही चले गए। समाजवादी कांग्रेस पार्टी, एस कांग्रेस बोलते थे, वो पार्टी उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी में विलीन की, और वो 8 दिसंबर 1986 का वो डेट थी, और फिर 88 में जुलाई में पवार साहब को, तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी मिस्टर क्लीन इमेज थी, बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया। आज तक इतने प्राइम मिनिस्टर बने, किसी को भी इतने सीटें वो जीत के नहीं ला सकते, नेहरू जी हो या बाकी कोई भी हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने ला के दिखाया, उसमें हमने सब ने देखा। और फिर 88 में उनके साथ उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप लेके काम शुरू किया, यानी कभी कांग्रेस छोड़ना, कभी इस कांग्रेस में, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ। फिर 90 में भी कुछ गड़बड़ हुई थी, 6 लोगों ने बंड किया था, उसमें विलासराव देशमुख, रामराव अधिक, स्वरूप सिंह नाइक, ऐसे कुछ सुशील कुमार शिंदे, ये सब बुजुर्ग नेता थे। और फिर बाद में सब MLA ने पवार साहब को सपोर्ट किया, इसीलिए वो बंड ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद 91 का चुनाव, फिर PV नरसिंह राव के खिलाफ वो पार्टी में जो चुनाव हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हुए, लेकिन PV नरसिंह राव सीनियर थे, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा MPs ने चुना के, यानी वोट दिया। फिर वहाँ वो डिफेंस मिनिस्टर बने। उसके बाद भी बहुत दफ़ा अलग अलग इशू निकाले गए, जैसे परदेसी मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दा हो, और वो मुद्दा लेके 10 जून 99 को मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने के अंदर जिसके खिलाफ उन्होंने पार्टी निकाली, उस कांग्रेस के साथ ही वो चले गए। ऐसा कैसे? लेकिन हमें बताया नहीं, ये ऐसा करना है तो करो, और हम उनके पीछे रहते थे। और ये हुआ 99 में। उसके बाद भी अलग 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 हमेशा कुछ ना कुछ हुआ। फिर 2014 में आपको पता होगा कि हम तो उनके खिलाफ थे BJP के, और बाहर से BJP को सपोर्ट दिया कि आप गवर्नमेंट बनाओ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आपको सपोर्ट रहे ये। और अभी फिर हमने पूछा कि ये क्यों, वो बोले ये स्ट्रैटेजी है, शिवसेना को दूर रखने की स्ट्रैटेजी है। तो 2 महीने के अंदर फिर वो स्टेटमेंट अलग किया कि हमारा हमेशा के लिए आपको सपोर्ट नहीं रहेगा, आप उसके बारे में आपकी मेजोरिटी कैसे रखने की सोचो। और वो बोलने के बाद फिर शिवसेना वालों को रूलिंग पार्टी के साथ जाना ही था, इसीलिए वो चले गए। और 2014 होने के बाद 2017 में फिर एक दफ़ा कोशिश हुई BJP के साथ जाने की, और तब BJP वालों ने बताया कि हम दोनों साथ साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, हम दोस्त हैं, हम इसमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, आपको आना है तो अंदर आ जाओ। तो बताया शिवसेना हमें बिल्कुल नहीं चलती, 2000 में बताया शिवसेना बिल्कुल नहीं चलती, आप शिवसेना को गवर्नमेंट से हटाओ, हम उन आपके साथ आएंगे। तो वो बोले हम नहीं हटाएंगे, हम तो उसका विश्वासघात होगा। फिर हम 2019 का चुनाव है, फिर जो BJP को बाहर से सपोर्ट किया, फिर BJP उसके अंदर आई,
हमें बताया था बाहर से सपोर्ट करने के बाद अपने को बीजेपी के साथ ही जाना है थोड़े दिन के बाद, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर हम हमारा काम करना शुरू किया और फिर 17 में ये कोशिश की, वो सक्सेस नहीं हुई क्योंकि शिवसेना उनको नहीं चाहिए थी। फिर 2019 में बोले कि नहीं, अभी पहले बीजेपी के साथ हमारी बातें हुई, सब तय हुआ, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन कौन मिनिस्टर, कौन से पोर्टफोलियो सब हुआ। और बाद में बम्बई जाने के बाद बोले वो जब हुआ लेकिन अपने को कांग्रेस और शिवसेना के साथ जाना है। मैंने कहा कि 2017 में आपने बताया कि तू हम शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहते हैं, शिवसेना अलग टाइप की पार्टी है, और अभी शिवसेना के साथ गवर्नमेंट कैसा बनाएंगे? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है। तो फिर उनके साथ गवर्नमेंट बनाया। मुझे बताया कि तुझे सब विधायकों का कहना है कि अजीत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, इसीलिए मैं तुझे बना रहा हूँ, लेकिन उद्धव जी के साथ बहुत अच्छी तरह से संबंध रखना और ये गवर्नमेंट चलाना। मैं सच बताता हूँ आपको, मैंने बहुत अच्छी तरह से उनको उनके साथ काम किया। कभी भी हमारे कभी भी हमने एक दूसरे को ऐसे आरोप नहीं किए, यानी हमारे कुछ ना कुछ इशू पे झगड़ा नहीं हुआ, यानी ये इशू पे उनका कहना अलग है मेरा कहना अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोरोना का टाइम था तो भी हमने उसका सामना किया, उसके बाद भी पॉलिटिक्स में हमने सबको साथ लेने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ राव शिंदे ने अलग डिसीजन लिया। तब भी वो डिसीजन लेने के बाद मेरे पार्टी के सभी विधायक, जितने भी MLA MLC है, वो सभी विधायकों ने बताया अपने को इसमें नहीं रहना है, अपोजिशन में अपने को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ऐसा लेटर दिया पवार साहब को, सभी ने साइन करके 2022 में बात कर रहे हैं। हाँ, 2022 के, और तब गवर्नमेंट नहीं बना था किसी का भी। तो हमारी कमेटी की, मेरी, प्रफुल्ल भाई की और जयंत पाटिल जी की, और हमें बताया कि आप अमित भाई के साथ बातें करो और फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन अमित भाई बोले कि ये फ़ोन पे नहीं हो सकती, आप यहाँ हो। एक भाई को फ़ोन किया, हम तीनों ने टिकट निकाला था, प्राइवेट प्लेन का बंदोबस्त प्रफुल्ल भाई ने किया था, लेकिन हमें हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा कि वहाँ नहीं जाने का, फ़ोन पे बात करने का, हम तीनों बैठे या स्पीकर पे, तो आगे कैसे जाए। वो बोले पुराना अनुभव मुझे बहुत ख़राब है NCP के बारे में, हमने NCP के साथ 3 या 4 दफ़ा बात करने की कोशिश की, उनको साथ लेने की कोशिश की, लेकिन बात एक होती है और बात में वो चेंज हो जाते हैं। तो वो मैं तो स्टेट का गवर्नमेंट बनाने का है, फ़ोन पे बात नहीं हो सकती। आपको यहाँ आना है तो आओ, मैं फ़ोन पे नहीं बात करूँगा, क्योंकि एक बात नहीं है, जब एक स्टेट का गवर्नमेंट आप बनाते हैं तो ज़रा बैठकर शांत विचार से बात हो सकती है। फिर वो उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की और वो बोले कि आप नहीं आएंगे तो मुझे किसी शिवसेना का साथ लेके गवर्नमेंट करना है, और उन्होंने गवर्नमेंट किया। एक बात पवार साहब के बारे में कही जाती है कि मैं सुन रहा था, आप गलत बोल रहे, पवार साहब का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। लेकिन आप इससे सहमत हैं कि पवार साहब ने जो पहले किया है, राजनीति में हो या परिवारों में हो, आज वही कुछ उससे मिलता जुलता उनके साथ भी घट रहा है? वो आपने सोचना चाहिए, मैं एक फैमिली का मेंबर हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ जवाब देने का मन नहीं कर रहा, इसलिए उसके बारे में नो कॉमेंट्स। PM साहब ने कल एक बात और कही, बिना नाम लिए, पवार साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा है जो सरकारें गिराती रही है अक्सर, उन्होंने किसी का नाम नहीं है, लेकिन अब लोग इसको शरद पवार साहब से जोड़ के देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी शरद पवार जैसे एक वयोवृद्ध आदमी के साथ, एक सीनियर नेता के साथ नहीं करनी चाहिए। नहीं, मोदी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया है, अभी लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो लोगों का अधिकार है, वो संविधान ने उनको दिया है। लेकिन ये उन्होंने वो स्टेटमेंट किया वो मैंने सुना है।
मैं पूछूंगा जब नेक्स्ट कोई मीटिंग में हमारा बात हो जाएगी कि ये अदृश्य आत्मा का उसका नाम क्या है, ऐसा पूछूंगा और तब उन्होंने बताया तो मैं आपको बताऊंगा। ज्या प्रकारे बारामतीचा निवडणूक चाललेला आहे, लोक म्हणतात की पवार विरुद्ध पवार जे आहेत याच्यामध्ये काहीतरी असं आहे जो खूप भावनिक आहे, आणि तुम्ही म्हणतात की हे भावकी आणि गावकीची निवडणूक नाही आहे, बारामतीची निवडणूक कशा प्रकारे पाहता तुम्ही आणि सुनेत्रा वहिनींना उमेदवारी देण्याचा निर्णय कसा झाला? ही निवडणूक आहे ही नरेंद्र मोदी साहेब आणि राहुल गांधीजी यांच्या दोघांच्यामध्ये ही निवडणूक आहे, हे काही पवार वगैरे वगैरे अशी निवडणूक नाही। आणि उल्लेखच आडनावाचा करायचा तर उमेदवार एकीकडे पवार आणि एकीकडे सुले, त्याच्यामुळं निवडणूक काही पवार नाही आहे, निवडणूक मोदी वर्सेस राहुल गांधी अशी आहे असं मी मानतो। विकासाच्या करता आम्ही ही निवडणूक लढवतो आहे आणि त्याच्यातून आम्हाला लोकांनी सपोर्ट करावा। मागे आम्ही ज्यावेळेस बारामती तालुक्याचा सर्वांगीण विकास केला आहे त्यावेळेस आम्ही साधारण विकास निधी आणला, फंड आणला, तो महाराष्ट्र सरकारचा आणला, आता आम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा फंड आणायचा आहे। म्हणून जिल्ह्यातले मावळ, शिरूर, बारामती आणि पुणे ह्या सीट आम्हाला निवडून देऊन ह्या चौघांनी तिथं मोदी साहेबांना सपोर्ट केला पाहिजे, कारण देशाच्या जनतेचा कौल मोदी साहेबांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान व्हावं असा आहे। मोदी साहेबांच्या पब्लिक मीटिंगला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे आणि आम्ही उमेदवारी निवडत असताना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड असतं आणि बोर्ड विचार करतं की किती नावं आहेत, कोणकोण नावं आहेत, मग कुठलं आपण कुणाला दिलं तर आपल्यामध्ये इलेक्टिव मेरिट त्यांचं जास्त आहे असं बघून आम्ही कॅन्डिडेटचं सिलेक्शन करत असतो। आम्हाला कुणी सांगत नाही, तो पूर्ण आमच्या पक्षाचा, पूर्ण आमच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचा हा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराचा वापर करून सगळ्यांनी मिळून ह्या सुनील तटकरेजी, अर्चना पाटीलजी, शिवाजी राठोडजी, सुनेत्र पवारजी, तिकडं महादेव जानकरजी ह्या सगळ्यांना उमेदवारी दिली। दुसरं कसं आहे की एनसीपीमध्ये आधीच दोन पाठ झालेले आहेत तुमच्यासोबत, पण ही निवडणुकानंतर कुणीतरी एकतरी हरणार तर कुटुंबात काही फरक पडणार का लोकसभा निवडणुकीत निघाल्यानंतर तुम्हाला वाटतं? कारण सुप्रिया सुळे अजूनही सांगतायत की माझा दादा मलाही मलाच वोट करणार नाही। हे एक प्रचाराचा भाग राहिला, उद्याच्याला तुम्ही जर कुणाला उमेदवार म्हणून खडं केलं, उभं केलं असेल तर तुम्ही काय उभं करणाऱ्यालाच मतदान करणार? मी आपल्याला स्पष्ट सांगतो, मी कधी माझ्या राजकीय आयुष्यामध्ये मॅच फिक्सिंग केलेलं नाही आहे। जे उमेदवार मी उभे करतो, पहिल्यांदा उमेदवारी देताना आम्ही दहादा विचार करतो, परंतु एकदा उमेदवारी दिल्यानंतर तो उमेदवार म्हणजे मीच आहे असं समजून आम्ही त्या निवडणुकीमध्ये स्वतःला झोकून देतो आणि काम करत असतो। त्याच्यामुळे त्या बोलण्यामध्ये काही स्वारस्य नाही आहे। आम्ही सारखं सांगतो आहे की आज देशाला मोदी साहेबांच्याशिवाय पर्याय नाही आहे आणि आपल्या देशाची प्रगती करायची असेल तर आपण त्यांच्याबरोबर त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे। आपली आपली विचारधारा वेगळी ठेवून, आपला आपला पक्ष वेगळा ठेवून, आपला आपल्या पक्षाचं सिम्बॉल वेगळं ठेवून। लोकसभेत महायुती आहे पण विधानसभेत ती राहणार का? लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे की शिवसेना, भाजप आणि एनसीपी आता तर महायुतीमध्ये आहेत पण विधानसभेत असं होणार का? आणि जेवढ्या सोप्या रीतीने लोकसभेची जागा वाटप ती तिला सुटला तसं विधानसभेत शक्य आहे का? विधानसभेमध्ये देखील शक्य आहे, कारण सहसा ज्या जागा तुमच्याकडे असतात त्या जागा तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतात। त्याच्यामुळं 105 का 106 जागा भाजपच्या आहेत त्या त्यांना मिळतील, 54 जागा आमच्या होत्या त्या आम्हाला मिळतील, जे शिवसेनेच्या बरोबर आलेले लोक आहेत त्या जागा शिवसेनेला मिळतील आणि त्याच्यामध्ये राहिलेल्या ज्या काही काँग्रेसकडं किंवा अपक्षांकडं किंवा तुमच्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडे छोटे छोटे पक्ष आहेत त्यांच्या जागा ह्याच्यामध्ये कुणाकडं कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आहे, इलेक्टिव मेरिट असणार आहे, त्या जागा त्यांना त्या ठिकाणी चर्चेतनं दिल्या जातील। म्हणजे महायुती राहणार विधानसभेत? आमची मानसिकता आहे की राहावी।
आता ज्या प्रकारे महाराष्ट्राचे निवडणूक झाले दोन फेजचे, लोक म्हणतात की रिझर्वेशनचा जो मुद्दा आहे, जो कायद्यात बदल करण्याचा किंवा घटनेत बदल करण्याचा जो मुद्दा काँग्रेसनी आणि विपक्षी लोकांनी उचललेला आहे, त्याचा फरक पडतो आणि एनडीएला त्याचा तोटा बसतो आहे. आणि विदर्भमध्ये आणि मराठवाडा जे दोन फेजची निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये जे नारा दिला काँग्रेसने की संविधान बचाव, याचा फरक पडतो आहे आणि एनडीए माघारीवर आहे या मुद्द्यावर, तुम्हाला वाटतं का असं? तुम्हाला एक सांगतो, संविधान बचाव काँग्रेसवाले सोयीचं राजकारण करतात. पहिल्यापासून सत्तेवर होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विरोध काँग्रेसने केला, बाबासाहेबांना निवडणुकीत पराभव काँग्रेसने केला. बाबासाहेबांचं जे काही बुद्धिमत्ता होती, बाबासाहेबांची जी काही एकंदरीत काम करण्याची पद्धत किंवा त्यांचा जो अभ्यास होता तो एवढा जबरदस्त होता की आपण कुणाशी तुलना करू शकत नाही. अशा घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यावेळेस पराभूत करण्याच्याकरता काँग्रेस एकवटली आणि त्यांचा पराभव केला. त्यांनी दिलेलं संविधान तर उत्तम आहे. त्या संविधानाचा कधी संविधान दिन काँग्रेसने साजरा केला नाही. मोदी साहेब प्राईम मिनिस्टर झाल्यानंतर मोदी साहेबांनी संविधान दिन साजरा केला. संविधान दिन साजरा करणं म्हणजे बाबासाहेबांना एक उत्तम प्रकारचं संविधान दिल्याबद्दल त्यांचाच आदर करणं असंच आहे ना. म्हणजे काँग्रेसने काहीच करायचं नाही आणि दुसऱ्यांनी केलं ते काही सांगायचं नाही, उलट म्हणायचं नाही नाही संविधान बदलणार, संविधान बदलणार, हे साधारण तर खोटं आहे. स्वतः प्राईम मिनिस्टरनी पण सांगितलं, ह्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही आहे. घटना संविधान हे इतकं उत्तम आहे आपलं की त्याच्यामध्ये बदलण्याचा कुठलाही प्रश्न येत नाही. शेवटचा प्रश्न मी मराठीत जाणू इच्छितो, त्या प्रश्नाचं उत्तर मराठीत जाणू इच्छितो. काल ज्या प्रकारे पंतप्रधानांनी भटकती आत्मा या शब्दाचा उल्लेख केला, कोणाचाही नाव न घेता, तरीही एनसीपी शरदचंद पवारगटचे लोक आहेत, काँग्रेसचे लोक, शिवसेनेचे लोक आहेत गटाचे, त्याचे म्हणतात की शरद पवार साहेबांना टार्गेट करण्यात आलेलं आहे आणि हे चुकीचं आहे. मी तुम्हाला सांगू का, पवारसाहेबांचं वय आहे 84. पवारसाहेबांनी जाहीर केलं मी कुठेही निवडणुकीत उभा राहणार नाही. पवारसाहेबांनी मध्ये जाहीर केलं की मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षाचा राजीनामा देणार आणि तशा पद्धतीनं तुम्ही पण सगळ्यांनी मीडियानी ती बातमी चालवली. मग 2-3 दिवसांनी तेच म्हणले की मी नाही, मी आता पुन्हा त्या पदावर बसणार. पवारसाहेबच एकदा एक निर्णय घेतात, मलाही सांगितलं बोलून की अजित मी आता राजकारणातनं बाजूला होणार आहे. शेवटी प्रत्येकाचा काही काळ असतो. आज माझाही वय 84 झालेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं मी बाजूला होईल. सगळ्या ज्या संस्था आहेत, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, चव्हाण प्रतिष्ठान, नेहरू सेंटर, कृषी विकास प्रतिष्ठान, विद्या प्रतिष्ठान वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या संस्था मी बघीन आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला ज्यावेळेस काही योग्य सल्ला लागेल त्यावेळेस मी योग्य सल्ला देईन आणि तशा पद्धतीनं आता आपण पुढं जाऊया असं तेच म्हणले. आणि नंतर त्यांनीच राजीनामा जाहीर केला आणि त्यांनीच 15 लोकांची कमिटी जाहीर केली. तिथं नावं वाचली आणि त्यांनी सांगितलं की या 15 लोकांनी 2 दिवसात बसावं आणि कोणावर कडं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रमुखपदाची सूत्रं द्यायची ते ठरवावं. आणि तेच ठरवत असताना त्यांची इच्छा होती की जरी तुम्ही 14 लोक एकत्र बसला तरी ते पद तिथं सुप्रिया सुळेंनाच प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नेमावं. मग म्हणलं त्याच दिवशी नेमू, नाही म्हणलं त्या दिवशी नाही नेमायचं, ते नंतर आपण नेऊ, नंतर तुम्ही कमिटीनं करा आणि मग कमिटीनं ते नाव आणलं असं दाखवूया आणि मग ते नेमूया. अशा गोष्टी त्यांनी त्या ठिकाणी केल्या. आणि एकीकडे म्हणतात की आता मी बाजूला जातो, आता मी माझं वय झालं, आणि पुढं भाषणात म्हणतात की तुम्हाला काय मी म्हातारा वाटतो काय, मी म्हातारा झालो? म्हणजे मला तर काहीच कळत नाही. मी ह्या सगळ्याचा गेल्या कित्येक वर्षाचा साक्षीदार आहे. आणि काही भूमिका त्यांनी घेतली की ते म्हणतात ती माझी स्ट्रॅटेजी होती आणि आम्ही काही सांगितलं की म्हणतात हे बरोबर नाही. आता आम्ही पण 30 वर्ष राजकारणात आहे, आम्हालाही थोडं बहुत त्यांच्या एवढं कळूच शकत नाही, आमची तेवढी कॅपॅसिटीच नाही, पण काहीतरी थोडं तरी आम्हाला कळत असेल. बरं, मी एकटा नाही आहे, त्यांच्या जीवाभावाचे सगळे सहकारी, त्यांच्या जीवाभावाचे सगळे सहकारी आज त्यांच्याबरोबर आहेत, त्याच्यातला एकही त्यांच्या जीवाभावाचा नाही आहे. सुप्रिया मुलगी आहे सोडून द्या, तो रोहित नातू आहे सोडून द्या, पण बाकीचे जे आहेत, आता अमोल कोल्हे, अमोल कोल्हेनं मी पक्षात घेतलं, मी तिकीट दिलं, माझ्या घरी बसवलं होतं त्यांना, सारखे उद्धवजींचे फोन येत होते, 5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. असं समोरासमोर मी अमोल कोल्हे सांगेन, तोंडावर सांगेन, मी फार स्पष्ट बोलणारा माणूस आहे. आणि नंतर 2-2.5 वर्षांनी तेच अमोल कोल्हे म्हणले मला
खासदार की नको मी राजीनामा देतो हे माझा पिंड नाहीये, मी सेलिब्रिटी आहे, मला माझ्या मालिका करायच्या आहेत, मला माझे चित्रपट करायचे आहेत, मला मी कलावंत आहे, मला माझ्या कलेला संधी द्यायची आहे, मला हे नको, मला नाही राजकारण करायचं. मी त्यांना म्हणलो 5 वर्ष तरी राहून द्या, नंतर तुम्ही तुमचं काम करा. आणि आता तेच एकदम उभे राहिलेत. त्यांनी मतदारसंघात नंतरच्या काळामध्ये अजिबात लक्ष दिलेलं नव्हतं, कारण त्यांच्या मालिका, त्यांचं बाकीचं काम, तेवढा तोच व्याप त्यांना खूप होता. आणि ते खरोखरच एक चांगला अभिनेता आहे, चांगला कलावंत आहे, त्याबद्दल आम्हाला सगळ्यांना निश्चितपणे अभिमान आहे. पण त्यांचं पिंड राजकारण नाही आहे. मग आज असं जीवाभावाचं कोण त्यांच्याबरोबर सांगा ना. पंतप्रधानांनी भटकती आत्म्याचा उल्लेख केला, ते पवार साहेब नव्हते तुम्हाला वाटतंय? नाही, मला मी आता काही ज्योतिषी नाही आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये नक्की त्यांच्या मनात मी मगाशीच उत्तर दिलं की ह्या बाबतीमध्ये पुढची कुठली सभा असेल त्यावेळेस मी पण तिथं असेल, त्यावेळेस मी पंतप्रधानांना विचारेन की ते भटकते आत्म्याचं नक्की नाव कोण आहे, कुठला उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही हे स्टेटमेंट केलं असं विचारीन. आणि त्यांनी सांगितल्यावर तुम्हाला सांगेन असं सर त्यांचं म्हणणं होतं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.